दोस्तों आज हम देखने वाले हैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली जूस। और अब आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही व्यूज़ के लिए बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ, पर इस जूस के बारे में रिसर्च करते वक्त मुझे इसका एक ऐसा गुण पता चला जिसे गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट जूस साबित हुआ। सो ये फल है बेल का फल, जिसे इंग्लिश में वुड एप्पल कहते हैं और संस्कृत में तो इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे बिल्व, लक्ष्मी फल, सदा फल, श्री फल, मांगल्य, शिवद्रुम यानी शिव जी का प्रिय, और शांडिलू यानी पीड़ा का नाश करने वाला। तो अब इस बेल की प्रकृति यानी नेचर की बात करें तो आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार बेल तो ठंडा होता है नेचर में और इसीलिए उसको गर्मियों में खाया जाता है। तो आयुर्वेद के अनुसार ये ठंडा नहीं, एक्चुअली गर्म होता है नेचर में। जी हाँ, तो इसे गर्मियों में क्यों लेते हैं लोग? तो वो इसीलिए क्योंकि एक तो बेल की प्रकृति गर्म जरूर होती है पर ज़्यादा नहीं, यानी इतनी नहीं कि एकदम हीट बढ़ा दे शरीर में। और दूसरी बात ये कि बेल का शरबत ऐसे ही नहीं पिया जाता, उसमें धागे वाली मिश्री भी डाली जाती है मीठे के लिए, जो कि ठंडी होती है नेचर में। इसीलिए बेल प्लस मिश्री ये दोनों मिलके एकदम परफेक्ट टॉनिक बन जाता है शरीर के लिए। और इसके फ़ायदे तो इतने सारे हैं कि उन्हें सुनकर आप अभी बाज़ार जाकर इसे ले आओगे। लेकिन बेल जूस के फ़ायदे जानने से पहले हम देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। सो आप इस बेल जूस को सीधे बाज़ार से भी ला सकते हो, पर बाज़ार वाले जूस में शुद्ध मिश्री की जगह सफ़ेद चीनी डालते हैं, जो फ़ायदे की जगह नुकसान करती है, और साथ ही उसमें अलग अलग प्रकार के मसाले भी डालते हैं। इसीलिए घर पर बनाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। सो बेल जूस बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें लगेगी, एक तो बेल का पका हुआ फल और धागे वाली शुद्ध मिश्री या देसी खंड। अब आपको करना ये है कि बेल के फल को तोड़कर उसमें से चम्मच से गूदा निकालकर मिक्सर में डालना है। अब ऊपर से मिश्री डालनी है, जितनी आप चाहो 3 चम्मच या 4 चम्मच। अब उसमें थोड़ा सा पानी आपको मिलाना है, उतना ही जिससे ये गाढ़ा सा जूस बन सके। अब मिक्सर में इसे अच्छे से पीस कर जूस बना लेना है और ये तैयार हुआ गर्मियों के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट जूस, जो बना है बिना किसी केमिकल, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स या बिना किसी नमक मसाले के। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यानी इस बेल जूस के फायदे देखते हैं। तो सबसे पहले तो बेल वात और कफ नाशक है और आयुर्वेद में बेल को ग्राही बोला गया है, और ग्राही का मतलब है मोशन को बांध कर पेट की सफाई करने वाला, यानी जिन्हें पेट ठीक से साफ नहीं होता, गर्मियों में दस्त जिन्हें लग जाते हैं, मोशन टुकड़ों टुकड़ों में होता है, यानी कुल मिलाकर पेट में गड़बड़ रहती है हमेशा, उन्हें ये जूस पीते ही एकदम आराम मिल जाता है। अब इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसका एक ऐसा गुण है जिससे ये दुनिया का सबसे बेस्ट जूस साबित होता है, तो वो गुण है इस बेल के जूस से दस्त यानी लूज मोशन तो ठीक होते ही है, साथ ही ये कब्ज़ को भी ठीक करता है। और लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन दोनों को ठीक करने का गुण एक साथ एक ही चीज़ में मिलना ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है, इसलिए ओवरऑल पेट के लिए बेल एक अमृत फल के समान है। अब पेट से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम में ये आपको 100% लाभ देता है, यानी अगर आपकी आंतों में कमजोरी हो या आंतों का डिटॉक्स आपको करना हो यानी सफाई करनी हो, तो इससे बेस्ट जूस आपको कोई भी नहीं हो सकता। ये पूरी आंतों की गंदगी शरीर से बाहर निकाल देता है, साथ ही बेल का जूस पीने से शरीर में खून भी बढ़ता है, तो जिनके शरीर में खून की मात्रा कम है उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। साथ ही शरीर में धातुओं को भी ये मजबूत करता है, सो बॉडी बनाने वालों को भी ये लेना ही चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में इसका वर्णन करने के लिए एक शब्द यूज़ किया है और वो है बल्य, यानी बेल को बल्य कहा गया है, और बल्य यानी शरीर के लिए एक ताकत देने वाला ये टॉनिक है। और वैसे तो इसके और भी कई सारे फायदे हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर इसका फ़ायदा देखें तो वो है मंदाग्नि यानी इनडाइजेशन की, ये बहुत ही अच्छी औषधि है। वैसे अगर आपको अपचन से 100% और परमानेंट छुटकारा चाहिए हो तो हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैंने ऐसी टिप्स दी है जिन्हें फॉलो करते ही आपका डाइजेशन परमानेंटली ठीक हो जाएगा और आपका खाया पिया शरीर में लगने लगेगा। सो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से देख सकते हो। अब वापस आते हैं हमारे बेल के शरबत पर। तो अब सवाल आता है कि इस जूस को पीना कब है? तो इस जूस को दोपहर के समय लेना सबसे बेस्ट होता है। सो दोपहर का खाना खाने के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद में आप इसे पी सकते हो। अब इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने से ये पचने में थोड़ा सा भारी होता है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा भारी होता है, इसलिए इसे शाम को या सूरज ढलने के बाद ना ही पियो तो अच्छा होगा। तो इतने सारे गुणों से भरपूर ये अमृत फल यानी बेल फल इन गर्मियों के 4 महीनों में आपको ज़रूर लेना है। सो ये बेल का जूस आप भी लो और अपने परिवार को भी पिलाओ।